दंतेवाड़ा से, जहां पर कैफ के जवानों ने घेराबंदी कर 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनको नीलबाया के मिलकन पारा से गिरफ्तार किया गया है और इनके विरुद्ध कई मामले भी दर्ज बताए गए हैं, जिनकी लंबे समय से तलाश की जा रही थी। पुलिस ने नक्सलियों पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। जिला पुलिस बल दंतेवाड़ा को आज बड़ी सफलता मिली है। इसमें आईजी बस्तर जोन श्री सुंदरराज सर, डीआईजी कमलोचन कश्यप सर, डीआईजी विकास कटेरिया सर के मार्गदर्शन में कंटिन्यूअस इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए कंटिन्यूअस ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। इसमें आज कल 30 सितंबर को पोटाली छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स 15वीं बटालियन नीलावाया क्षेत्र अंतर्गत एरिया डोमिनेशन के लिए निकली थी, जिसमें उनको 5 संदिग्ध लोग मिले, जिस पर उन घेराबंदी कर उनको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद थाना अरनपुर लाया गया, जिन्होंने फिर उन्होंने अपना नाम आयता कुरनाम, भीमा हेमला, देवा हेमला, देवा कवासी, मासा मड़काम, नीलावाया के रहने वाले बताए। इनसे विस्तृत पूछताछ करने पर और पूर्व के अपराध खंगोलने पर पता चला कि इनके खिलाफ पूर्व में कई अपराध पंजीबद्ध है। इसमें जो आयता कुर्राम है वो 1 लाख रुपए का इनामी है और दरवा डिवीजन मेडिकल टीम सदस्य रह चुका है। इसके अतिरिक्त जो अन्य भीमा हेमला, देवा कवासी और मासा मड़काम भी नक्सल गतिविधि में शामिल रहे हैं। इनके खिलाफ कई अपराध अरनपुर थाना में पंजीबद्ध है, जिसमें मर्डर, आईडी विस्फोट और एम्बुश करना, पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग करना जैसे कई अन्य अपराध दर्ज है। इनको थाना अरनपुर के बाद गिरफ्तार कर पूर्व अपराध में न्यायालय में पेश किया और न्यायिक रिमांड में आज 1 अक्टूबर को जेल भेजा।